यूक्रेन युद्ध को 7 महीना हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि पुतिन इस युद्ध में ऐसे फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन पुतिन इस नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध को नया ट्विस्ट दिया और यूक्रेन के 4 नए इलाकों को रूस में मिला लिया और इससे बहुत बड़ा इवेंट भी बना दिया, क्योंकि अभी तक लोग ये कह रहे थे अरे रूस से तो हो नहीं रहा, ये तो हरा नहीं पा रहे, ये तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो इन्होंने क्या किया, यूक्रेन का 4 इलाका अपने में सटा लिया, और ऐसा नहीं कि चुपचाप सटा लिया, इसको इवेंट बनाया, पब्लिक को बताया कि देखो हम जीत रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उस इवेंट की, देखिए कितना भव्य इवेंट हो रहा है। ये इवेंट इसलिए क्योंकि पुतिन अपने लोगों में जोश का नया इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, जिससे कहीं से भी ये मैसेज ना जाए कि युद्ध में रूस फंस गया है या फिर पुतिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे। यही बताने के लिए आज रूस की राजधानी मॉस्को में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, पुतिन ने करवाए, ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है ये, जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें सेंट जॉर्ज हॉल है, वो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के विलय का कार्यक्रम हुआ। यहां पर देख रहे साइन वाइन हो रहा है, अभी क्या हुआ बताऊंगा। इस हॉल में बड़ी संख्या में लोग थे, यहीं पुतिन ने इस विलय का ऐलान किया। विलय के समझौते पर यूक्रेन के 2 अलगाववादी नेता और रूस के 2 अलगाववादी अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद पुतिन के साथ मंच पर मौजूद सभी लोगों ने नए नारे लगाए। इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, जैसे हमारे यहां विपक्ष नहीं पकड़ता कि हम अभी हरा ही देंगे नरेंद्र मोदी, वैसे ही हाथ पकड़े और पूरे विलय को सेलिब्रेट किया। बम बम हो गई पब्लिक, जीत गए, 4 अभी हुआ है, अभी पूरा यूक्रेन मिला लेंगे। पुतिन मंच से लोगों को संबोधित भी कर रहे थे और कह रहे थे कि लाखों लोगों ने रूस में शामिल होने की इच्छा जताई, जिसका हमने सम्मान किया। अब रूस में जिन 4 इलाकों का विलय हुआ है वहां रूसी प्रशासकों की नियुक्ति होगी, अगले हफ्ते रूसी संसद के दोनों सदनों में इस विलय पर आधिकारिक मुहर भी लग जाएगी। पुतिन ने इस तरह का इवेंट 2014 में भी किया, याद है आपको, जब रूस ने क्रीमिया के इलाके को अपने देश में मिला लिया। क्रीमिया के रूस में विलय को आज तक दुनिया ने मंजूरी नहीं दी, मत दीजिए, पुतिन को परवाह ही नहीं, वो आप उसने मिला लिया, वो चला रहा है, आप मानिए ना मानिए, और ना अब वो परवाह कर रहे हैं। लोग यूक्रेन वाला भी थोड़े मानेंगे, मिला लिया अब वहां रूस के अधिकारी रहेंगे, वो चलाएंगे। जब उन्होंने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला दिया है तो आपके मानने ना मानने से क्या होगा। देखिए यूरोप और अमेरिका भले कुछ भी कहते रहें, लेकिन पुतिन ने पूरा नक्शा बदल दिया है। 2014 के बाद यह दूसरा मौका है जब रूस का नक्शा बदला है। 2014 से अब तक क्या बदलाव हुए वो आपको समझा देता हूं। 2014 में ये रूस का मैप ऐसा था, इस मैप में ना क्रीमिया था ना किसी दूसरे देश का हिस्सा था। 2014 से पहले रूस का आधिकारिक मैप यही हुआ करता था, रूस ऐसा ही इसे दिखाता था, लेकिन 2014 के बाद रूस के पक्ष में कई चीजें बदल गई। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और अपने देश में उसे मिला लिया, जिससे रूस का आधिकारिक मैप बदल गया और क्रीमिया भी रूस का हिस्सा दिखने लगा। यह छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं क्रीमिया का, जो पीला हो गया नीचे, यूक्रेन के नीचे देख रहे हैं इधर यूक्रेन लाल, उसके नीचे पीला क्रीमिया देखिए, उसको पीला कर दिया, रूस में मिला लिया, सटा लिया। अब सितंबर 2022 का आपको मैप दिखाता हूं, यानी आज से बदला हुआ मैप। रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये 4 इलाके जो हैं वो हैं लुहांस्क, दोनेस्क, दक्षिण ज़ापोरिज़्या और खेरसोन। अब वो यूक्रेन का जो आप लाल लाल देख रहे हैं उसमें भी अगर आप देखिएगा तो 4 हिस्सा ऑरेंज हो गया, तो वो चारों रूस ने कहा कि ये भी हमारे हो गए। ये चारों जगह मिलाकर यूक्रेन का कुल 15% इलाका अब रूस के हाथ में, रूस का हिस्सा बन गया है। यानी यूक्रेन के 15% इलाके को पुतिन रूस में मिला चुके, अब बाकी 85% पर पुतिन की नजर है। देखिए इन 4 इलाकों में रूस ने ऐसे ही कब्जा नहीं किया, कब्जे से पहले यहां एक रेफरेंडम हुआ। आप सोचेंगे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तो फिर रेफरेंडम कहां से आया, मतलब लोगों से पूछने की बात कहां से आई। अच्छा रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम से किसी देश को कैसे अपने साथ मिलाया जा सकता है। रेफरेंडम को हिंदी में जनमत संग्रह कहते हैं, जिस तरह से चुनाव में वोट डाले जाते हैं उसी तरह से जनमत संग्रह में भी वोट डालते हैं लोग, लेकिन इसमें वोट किसी उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए नहीं पड़ता। जनमत संग्रह में सामान्यतः एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब हाँ या ना में देना होता है, जिसके पक्ष में ज्यादातर लोग होते हैं वो फैसला लागू कर दिया जाता है, यह है जनमत संग्रह। इसी तरह से रूस ने युद्ध में यूक्रेन के जिन 4 इलाकों पर कब्जा किया था वहां जनमत संग्रह कराया, लोगों से पूछा कि क्या आप रूस में आना चाहते हैं। 4 इलाके बताए आपको, लुहांस, दोनेस्क, दक्षिण ज़ापोरिज़्या और खेरसोन। ज़ापोरिज़्या सुनने में पिज्जा टाइप का कुछ नाम लग रहा है, जैसे कोई पिज्जा हो। खैर 23 से 27 सितंबर के बीच यहां जनमत संग्रह कराया गया, लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या वो रूस में शामिल होना चाहते हैं।
रूस के दावे के मुताबिक जनमत संग्रह में लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में मतदान कर दिया, इसलिए ये चारों इलाके रूस में शामिल हो गए। अब यह समझिए कि यूक्रेन के जिन चार इलाकों में जनमत संग्रह हुए वहां के कितने प्रतिशत लोगों ने रूस में शामिल होने की मंजूरी दी। लुहांस्क के 98.4% लोगों ने कहा कि वो रूस में शामिल होना चाहते हैं। दोनेस्क के दावा है रूस का कि दोनेस्क के 99.2% लोगों ने कहा कि हमको रूस के साथ जाना है। दक्षिण ज़ापोरिज़्या के 93% से ज्यादा लोगों ने कहा और खेरसोन के 87% लोगों ने कहा कि रूस में शामिल होने के पक्ष में है, उन्होंने वोट किया। लेकिन पश्चिमी देश और अमेरिका इसका विरोध कर रहे हैं और इसे फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। पश्चिमी देश यह कह रहे हैं कि यह बंदूक के जोर पर कराया गया जनमत संग्रह। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के चार इलाकों को अपने देश में शामिल कर लिया, ऐसे में यूक्रेन के पास ऑप्शन क्या बचा? यूक्रेन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है बॉस। यूरोप और अमेरिका से हथियार लेकर वो मुश्किल से रूस से किसी तरह से युद्ध लड़ पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन यूएन में रूस की शिकायत कर सकता है, रूस को फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको सुनना ही नहीं है। दुनिया से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है, प्रतिबंध तो आप लगा ही रहे हैं, उससे भी रूस को फर्क नहीं पड़ा, उसने पलट के आपके गैस की सप्लाई रोक दी, आप ठंड में हालत खराब हो जाएगी, चुआड़ा बन जाएगी। लेकिन ये वो बातें हैं जो यूक्रेन पहले से करता रहा है, कुछ नया तो है नहीं इसमें, तो फिर वो करेगा क्या? दुनिया रूस के इस कदम पर क्या करेगी भाई? अमेरिका साफ कर चुका है कि वो रूस के इस जनमत संग्रह को नहीं मानता, मत मानो। यूरोपीय संघ ने रूस पर नई पाबंदी लगाने के संकेत दिए, लगा दो। नॉर्वे कह रहा है कि वो रूस के लोगों की एंट्री बैन करने पर विचार कर रहा है, कर दो, जैसे वो नॉर्वे जाए बिना जो है वो मर जाएंगे ऐसा आप दिखा रहे हो। जर्मनी ने कह दिया है कि लोगों को जनमत संग्रह से वोटिंग के लिए डराया धमकाया गया, बोल लो। लेकिन सच तो ये कि अब वो रूस में शामिल हो गए, तो कोई भी बहुत इफेक्टिव रास्ता दिख नहीं रहा है। पुतिन ने आज जो किया उसने यूक्रेन युद्ध के नए ट्रिगर को भी दबा दिया। इस वक्त यूक्रेन युद्ध की स्थिति क्या है आपको पता है? दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से रूस की सेना अब सेंट्रल यूक्रेन की तरफ बढ़ रही। अभी पुतिन की सेना खेरसोन के पास है और यहां से ये मिकोलाइव की ओर बढ़ रही। ओडेसा में भी रूस की तरफ भारी बमबारी हो रही है। इसके अलावा खार्कीव और कीव पर रूसी सेना की बमबारी चल रही है। पुतिन ने जो चार नए इलाके रूस में मिलाए उससे साफ है कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। यह दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है, खासतौर पर यूरोप के देशों के लिए जहां सर्दियों में बुरा हाल होने वाला है। मैंने आपको कल विस्तार से पाठशाला में बताया था, ठंड आ रही है, रूस गैस की सप्लाई नहीं करेगा, हीटर नहीं जलेगा, लोग ऊपर। पुतिन से भले ही दुनिया यह कह रही है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन वो अपने मकसद को लेकर अड़े हैं और इसी वजह से उन्होंने कुछ दिन पहले पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया था जिसमें 3 लाख रिजर्व सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा जा रहा था। जबकि बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसमें जाना नहीं चाहते, वो रूस से निकलना चाहते हैं, जो आपको मैंने खबर बताई थी। दुनिया भले ही पुतिन को कुछ भी कहती रहे, यूक्रेन के इलाकों को जिस तरह से वो रूस में मिला रहे हैं उससे पुतिन का एजेंडा क्लियर है। पुतिन रूस को एक बार फिर से सोवियत संघ की तरह शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। पुतिन रूस का उसी तरह से विस्तार करना चाहते हैं जैसा सोवियत संघ में हुआ करता था। मैप जो आपको दिखा रहा हूं वो रूस का मौजूदा मैप है और पुतिन की सोच यह है कि आसपास के 15 देशों को मिलाकर इसे फिर से सोवियत संघ की तरह बना दिया जाए। इसकी शुरुआत पुतिन ने यूक्रेन से कर दी है।